लोकसभा चुनाव के पहले चरण का वोटिंग का ट्रेंड सामने आ चुका है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा, आइए एक एक करके आपको समझाती हूँ। इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले बार के मुकाबले कम देखने को मिल रहा है, वोट घटा है। ऐसे में किसे नुकसान और किसे फायदा पहुंचा है? मुस्लिम सीट पर वोटिंग का पैटर्न क्या रहा है? मोदी ने क्यों कहा एक्सलेंट फीडबैक मिल रहा है? एक एक डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर आपको दे दें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 62.37% मतदान हुआ है, जबकि अगर 2019 के मुकाबले की इससे तुलना करें तो इस पिछली बार 69.43% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार 7% वोट कम पड़े हैं, मतदाता कम घर से बाहर निकले हैं। इस बार नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा वोटिंग देखी गई है, तो साउथ में भी अच्छी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। उत्तर भारत में वोट कम पड़े हैं। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% से अधिक मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर कल वोटिंग हुई है और करीब 80% वोटिंग हुई है। लोकसभा के पहले ही फेज में बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। ये टेंशन क्यों बढ़ी है, जरा आप ये देखें कि कहीं ये टेंशन इसलिए तो नहीं क्योंकि रूलिंग पार्टी के सांसदों को हटाने की कोशिश है ये। यानी का मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहां पे अधिकतर सांसद टीएमसी से आते हैं, ऐसा तो नहीं उनसे नाराज है जनता। पहले चरण में वोट प्रतिशत का घटना क्या कहता है और ये क्या बताता है? क्या ये चुनाव एक तरफा है? क्या नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले ज्यादातर वोटर्स घर से निकले ही नहीं, या मोदी के समर्थकों को ये लगा कि चुनाव तो वही जीतेंगे इसलिए वो घर से नहीं निकले? दोनों ही सूरत में फर्स्ट फेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। पहले हम आपको बता दें, पहला चरण का मतदान जब 102 सीटों पर मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया, इसमें अगर बात करें तो 62.37% वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 7% कम दिखाई दे रही है। 2019 में जहां पर 69.43% मतदान हुआ, इस बार कम हुआ है। अब ये कम वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे बाकी हम रीजन वाइज भी आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। सबसे हैरानी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश में जहां की 8 सीट पर पिछले बार के मुकाबले कम वोटिंग हुई है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर ज्यादा हुई हो और किसी एक पर कम हुई हो, 8ों की 8ों पर कम मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में करीब 60% वोट पड़े, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले 6% कम है। आप ये देखें, 8 सीटों पर मतदान हुआ 2024 में, यानी कि कल जो मतदान हुआ उसमें 60.25% वोट पड़े, जबकि पिछली बार यानी कि 19 के चुनाव में 66.15% वोट पड़ा था। ये 6% कम है, ये आंकड़े में दिखाई दे रहा है। अब इन 8 सीटों में से 7 सीटों पर हम जानते हैं कि ये वो सीटें थी जो कि मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स थी। 40% से ज्यादा मुसलमान वोटर्स का प्रभुत्व है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम वोटर घर से निकले नहीं? उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कहां कितनी वोटिंग हुई है वो आपको बता दें, सिलसिलेवार तरीके से एक एक ग्राफिक आपको दिखाती हूं इन 8 सीटों पर कितना मतदान हुआ है, और खासतौर पर वो 7 सीटों पर आप गौर करिएगा जो कि मुस्लिम डोमिनेंट सीट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सहारनपुर सीट की, जहां पर 41% मुसलमान की आबादी है, मुसलमान वोटर्स। सहारनपुर सीट से विवादित बयानबाजियों के लिए मशहूर इमरान मसूद कांग्रेस की ओर से मैदान में थे, इंडिया अलायंस के नेता के चेहरे थे, जबकि बीजेपी की ओर से राघव लखनपाल, जो कि अपने आप में एक चर्चित चेहरा है, और बीएसपी की ओर से माजिद अली चुनाव मैदान में थे। अब यहाँ पर देखिए, 2019 के चुनाव में जहाँ पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई और इस बार 24 के चुनाव में 65.95%, सीधा सीधा आप देखें कि 6% कम यहां पर आंकड़ा दिखाई दे रहा है, 5% कम वोट पड़ा है। अब आप देख ले एक बार सहारनपुर, हमारे सहयोगी सभी जुड़ चुके हैं। एक बार पहले हम जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का रिकॉर्ड दिखा देते हैं, उसके बाद हमारे संवाददाताओं का हम रुख करेंगे। रुचि भी हमारे साथ जुड़ गई है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले सहारनपुर के बाद चाहे कैराना की बात करें, चाहे रामपुर की बात करें, यहां पर वोट का ट्रेंड क्या कहता है, बात आजम खान के घर रामपुर का हाल आपको बताती हूं। रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर है, लेकिन यहां पिछले चुनाव के मुकाबले 9% वोट घटा है।
रामपुर में पिछली बार करीब 63% वोट पड़ा था, लेकिन इस बार ये घटकर 54.77% हो गया। अब रामपुर में ये वोट क्यों घटा, क्या इसका कारण खुद आजम खान है? कहा ये जा रहा था आजम खान बड़े नाराज चल रहे हैं, एक चिट्ठी सर्कुलेट हो गई कि इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों को मोबिलाइज नहीं करना है। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, जरा हम पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। विशाल, जरा ये बताएं कि ये जो एक चिट्ठी सर्कुलेट हुई, आजम खान की नाराजगी सामने आई, चुनाव का बहिष्कार का ऐलान उन्होंने किया, कहीं ऐसा तो नहीं इसी की वजह से समस्या खड़ी हो गई, रामपुर में वोट प्रतिशत गिर गया, ये इंडिकेशन क्या कहता है? देखिए मीनाक्षी, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों की जहां पर कल मतदान हुआ है, उसमें रामपुर भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, और रामपुर सीट पर इस तरीके से मतदान प्रतिशत का गिरना कहीं ना कहीं अपने आप में इशारा जरूर करता है कि आजम खान की जो नाराजगी थी, आजम खान ने जो कहा था कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव वहाँ टर्नअप नहीं होते हैं, चुनाव नहीं लड़ते हैं, और ऐसे में लोकल यूनिट वहाँ की ये ऐलान करती है कि इन चुनावों में हम बहिष्कार भी कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आजम खान की जो नाराजगी थी उसका सीधा असर मुस्लिम वोटों पर पड़ा हो, और चूंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है न सिर्फ रामपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में कल जो 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ उसमें 6 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेंट सीटें हैं, तो ऐसे में अगर रामपुर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, कैराना की बात कर लें, मुजफ्फरनगर या दूसरी सीटों की बात कर लें, अगर इन सीटों पर इस तरीके के रुझान जाएंगे जहां पर पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार 6% वोट कम पड़े हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं वाकई में समस्या और चिंता की बात है। खबर को देखने के दो पहलू भी तो सकते हैं, मैं केवल रामपुर की बात नहीं कर, लेकिन ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश की इन 8 सीटों की बात करें, अगर मतदाता वोट करने के लिए कम निकल रहे हैं तो इसका इंडिकेशन क्या है? क्या ये सत्तारोधी लहर है, या फिर हम ये कहें कि मोबिलाइज ठीक से नहीं कर पाए, या फिर कोई अंडर करंट भी दिखाई दे रहा है? देखिए मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि जिस तरीके से वोटिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, जिनका बयान अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने सुना, बीजेपी जीत के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके वोटर्स घर से निकले हैं, जबकि विपक्ष के दल के जो नेता हैं वो अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर 4 जून को बात पता लगेगा मीनाक्षी कि किसके वोटर्स निकले हैं, किसके वोटर्स नहीं निकले हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल इलाकों में जहाँ पर लगातार आबादी बढ़ती है, 5 सालों में अगर बात कर लिया जाए तो आबादी बढ़ी, फर्स्ट टाइम वोटर्स बढ़े, और ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज 6% गिर जा रहा है तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि जो चुनाव के बहिष्कार की अपील की गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसका एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव शुरू हो गया है, और इसी पर्सपेक्टिव के तरते समाजवादी पार्टी को कहीं नुकसान ना हो जाए।